आज जिला गोरखपुर के मुख्य सड़क खजनी मालहनपार रोड से बंगला टोला तक पक्की सड़क की मांग करते हुए ग्रामीण हाथ में तख्ती लिए सड़क पर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। उन्होंने ने बताया कि इसकी शिकायत हम लोग कई बार शासन प्रशासन से किया, लेकिन सड़क को सही नहीं किया जा रहा। देखिए ये सड़क जो है, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये है ट्यूबवेल, ये ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल मेन रोड है, मेन रोड से जो है ये खड़ंजा, हटो हटो दिखा रहे हैं, ये खड़ंजे की हालत देखिए, ये ट्यूबवेल से ये खड़ंजा जो है ये होते हुए यहाँ से 1 किलोमीटर ये बंगला गांव है वहाँ तक जाता है, और इस खड़ंजे की हालत देखिए, ये खड़ंजा है, इस खड़ंजे की हालत देखिए, ये खड़ंजा, इस खड़ंजे पर साइकिल और पैदल से चलना जो है मुश्किल है। देखिए खड़ंजे की हालत देखिए, यहाँ रोज कोई ना कोई बच्चे स्कूल जाते हैं तो जरूर गिरते हैं, चाहे दोपहिया हो या चारपहिया का तो निकलना मुश्किल है, दोपहिया और साइकिल वाले स्कूल वाले बच्चे इस पर डेली गिरते हैं। ये ट्यूबवेल है, मेन रोड ही है, यहाँ से 1 किलोमीटर है बंगला गांव, इसको 40 साल पहले ये खड़ लगा, 40 साल पहले का रोड है, इसके बाद के सारे रोड, मतलब किसी भी गांव में ऐसा रोड नहीं है, जिले में खोजेंगे तो ऐसा इतना खराब रोड कहीं नहीं मिलेगा यहाँ, और इसके जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या ब्लॉक प्रमुख का गांव बगल में ही है 1 किलोमीटर, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस सड़क पर नहीं जाता है, इसलिए हमारा जो है सरकार से अनुरोध है और हमारे गांव के सभी जनता का अनुरोध है कि जब तक ये खड़ंजा जो है डामर नहीं होगा, पीच नहीं होगा, तब तक कोई मतदान नहीं करने जाएगा, क्योंकि इसी खड़ंजे से गांव वाले जो है प्राइमरी स्कूल भी जो है यहां से 500 मीटर है इस ट्यूबवेल से, और 1 किलोमीटर इसी खड़ंजे पे पैदल आके बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन आज हालत ये है कि रोज कोई ना कोई बच्चा गिर के घायल हो रहा है, और किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं जाता है, इसलिए हमारा जो है वर्तमान सरकार से अनुरोध है कि इस सड़क को अविलंब बनाएं, नहीं तो जब तक ये रोड बनेगा नहीं तब तक गांव वाले इस बंगला टोला का कोई भी व्यक्ति मतदान करने प्राइमरी स्कूल तक नहीं जाएगा, सिर्फ इतनी बात है हमारी सरकार से।